जब भी आपको बॉडी के किसी विशेष हिस्से में दर्द होता है तो आप क्या करते हैं? अधिकतर हाथों का इस्तेमाल करके तेल या कोई ऑइंटमेंट लगा के मसाज करते हैं। नॉर्मली हम दर्द से राहत पाने के लिए यही करते हैं। मसाजिंग करना बेस्ट टेक्निक है जो आपको किसी भी क्रॉनिक पेन से राहत देता है, लेकिन कोई भी मसाज करने से पहले उसके बेसिक्स जानना काफी जरूरी होता है। जैसे मसाज करते वक्त कितना प्रेशर देना है, कौन सा फिंगर यूज करना है, मसाज करते वक्त आप सही फिंगर्स का इस्तेमाल करते हैं तब भी प्रॉपर प्रेशर मिलता है। चाइनीज थ्योरी के अनुसार हमारे बॉडी में 20 मेरिडियंस यानी शिरोबिंदु होते हैं। कोई भी मसाज करते वक्त इन प्रेशर पॉइंट्स को प्रेस करना जरूरी होता है, जिसे एक्यूप्रेशर कहते हैं। एक्यूप्रेशर मसाज करने का बहुत ही अच्छा तरीका है जो कभी भी कर सकते हैं। सिर्फ आपको राइट प्रेशर पॉइंट्स ढूंढने की जरूरत है और उस पे प्रॉपर प्रेशर अप्लाई करना आना चाहिए। काफी बार हम सिर्फ जहां दर्द होता है उस पे मसाज करते हैं, लेकिन आप सही तरीके से मसाज नहीं करते हैं तो आपको थोड़ी देर ही दर्द से राहत मिलती है। इसीलिए आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि मसाज करने के सही तरीके। लेकिन अब शुरू करने से पहले हमारे चैनल से लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारी चैनल आज का ही गुरु को सब्सक्राइब करना ना भूलें। रिलैक्स पोजीशन में रहे। कोई भी मसाज करते वक्त आपकी बॉडी और माइंड को रिलैक्स रखना जरूरी है। एक जगह पे आराम से बैठे या फिर लेट जाए, उसके बाद आंखें बंद करें और अब जिस पोजीशन में है वैसे ही रह के थोड़ी देर डीप ब्रीदिंग करें। राइट प्रेशर पॉइंट्स देखें। जैसे मैंने शुरुआत में कहा था कि मसाज में सही प्रेशर पॉइंट्स प्रेस करना जरूरी होता है, उसके लिए सही प्रेशर पॉइंट स्पॉट करना भी जरूरी है। आपको बॉडी के जिस हिस्से में दर्द है वहाँ का सेंटर पॉइंट पहले प्रेस करें, लेकिन एक्यूप्रेशर पॉइंट्स बहुत छोटे होते हैं, इसीलिए अगर आपको प्रेस्ड एरिया पे कोई इफेक्ट नहीं लगे तो दूसरा पॉइंट ट्राई करें। फर्म प्रेशर अप्लाई करें। मसाज करते वक्त काफी बार ज्यादा दर्द महसूस होता है, तब हम ज्यादा प्रेशर के साथ मसाज करते हैं, लेकिन ये गलत तरीका है। मसाज हमेशा हल्के हाथ से करना चाहिए, क्योंकि हद से ज्यादा प्रेशर देने से दर्द बढ़ सकता है या फिर बॉडी के वेन्स डैमेज होने की भी संभावना होती है। किसी भी प्रेशर पॉइंट्स को 1 से 3 मिनट तक मसाज करें या फिर कम से कम 5 मिनट तक मसाज करें। सही फिंगर्स का इस्तेमाल। मसाज करते वक्त सही प्रेशर देने के लिए फिंगर्स का इस्तेमाल करें, जैसे कि हाथ के मिडिल फिंगर और थंब से प्रेशर ज्यादा पड़ता है। कुछ केसेस में आप नकल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये थे मसाज करने के सही तरीके जो आप मसाज करते वक्त जरूर ट्राई कर सकते हैं। लेकिन कुछ बातों का ध्यान रखना है, जैसे अगर कोई जख्म या सूजन है तो उस हिस्से पे मसाज नहीं करना है। बाकी आप मसाज करने की प्रोसेस दिन में जब चाहे तब भी कर सकते हैं। आपको जैसी जरूरत हो मसाज की वैसी ही आप ये प्रोसेस से रिपीट कर सकते हैं। तो अब आपके इस वीडियो पे क्या व्यूज है वो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और अगले वीडियो तक के लिए अलविदा दोस्तों, धन्यवाद।